श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे सभा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले जो सुरक्षा कर्मी, जो जवान अफसर 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा के लिए शहीद हुए, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहती हूँ। महोदय, हजारों साल पुरानी हमारी देश की, धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा संवाद चर्चा की रही है, एक गौरवशाली परंपरा है जो दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में दिखती है। वाद विवाद और संवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है। अलग अलग धर्मों में भी, इस्लाम में, सूफियों में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में भी ये वाद संवाद, ये चर्चा बहस, इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था, एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। ये वाद संवाद की जो परंपरा है, इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया? क्योंकि ये जो संग्राम था, ये जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए, एक बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के किसान, देश के जवान, देश के मजदूर, देश के अधिवक्ता, देश के बुद्धिजीवी, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी भाषा को बोलते हो, सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। सब ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उसी आज़ादी की लड़ाई से एक आवाज़ उभरी जो हमारी देश की आवाज़ थी। वो आवाज़ ही आज हमारा संविधान है। साहस की आवाज़ थी, हमारी आज़ादी की आवाज़ थी, और उसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखा और बनाया। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये ज्योत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है।
उम्मीद और आशा की ये ज्योत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सब के बच्चे हैं, हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली, उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी मुझे न्याय चाहिए, मेरी बेटी अपने FIR को दर्ज करने के लिए जब ज़िले में गई तो उसको मना किया गया, अगले ज़िले में जाना पड़ा उसे। वो रोज़ सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले ज़िले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई, लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था, नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया, उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं लेकिन ये गंभीर बात है, गंभीर बात। शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी तो उसने मुझे कहा कि दीदी हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे, उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उज़ैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उज़ैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा अपने जीवन, दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए, उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है
जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि इस संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था, ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, स्टील, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियां बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और UPA की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं,
आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आपने नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू जी है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना आप भी,
सीख लीजिए, आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का, मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की, पैसों के बल पे की, गोवा की सरकार, तमाम उदाहरण राजस्थान की। क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हस्ती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। वो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है, इस तरफ दाग उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया, उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है उसके साथ करोड़ों देशवासी चले, करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। आपकी जो इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं उसका नतीजा हम रोज देखते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, कैमरा, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया।
उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई, लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह कह के उत्तर प्रदेश में, मुझे याद है, कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ गांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं, ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है, भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं। चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। दिनों से, कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। महोदय, मैं तो सदन में नहीं हूँ, महोदय, जनता में बहुत विवेक है, ये सही है, अच्छा। महोदय, मैं सदन में नहीं हूँ, मैं सदन में नहीं हूँ, कुछ हाँ ठीक है, मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए, शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं सब। बात यह है अध्यक्ष महोदय जी, कि ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसको बनाने वाले देश के किसान, जवान, देश के करोड़ों मजदूर और गरीब जनता है। संविधान इनको साहस देता है। मेहनती मिडिल क्लास है, और इस देश के जो करोड़ों देशवासी हैं, जो रोजाना भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनको साहस देता है। वायनाड में जो
आपदा आई, उसमें एक छोटा लड़का था 17 साल का। 6 घंटों के लिए उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। 6 घंटों के लिए आप सोच सकते हैं कि अगर नदी की धारा बह रही है, नाराज है, आप अपनी माँ को पकड़े हो, 6 घंटों के लिए पकड़े रखते हो कि मेरी माँ बच जाएगी, और अंत में वो माँ भी बह जाती है। उस लड़के का साहस, उन महिलाओं का साहस जो पीड़ित हैं लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संभल के बच्चों का साहस जिनके पिताजी अभी अभी गुजर गए लेकिन फिर भी उनके सपनों को साकार करने की हिम्मत है, उनका साहस है, वो साहस से संविधान ने दिया है। वो आत्मविश्वास से संविधान ने दिया है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मुझे, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.